राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी में आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। मैं दोस्तों आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसीलिए आपके लिए कुछ नया, कुछ अद्भुत उपाय लेकर प्रतिदिन आपके पास आती हूँ। आप इन उपायों को करके अपने जीवन में अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। ये ज्योतिष का एक नियम है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है इस जीवन में जिसका कि निदान ना हो। आज मैं आपको सिक्कों से जुड़ी है रेस गाड़ी, जिसको एक सिक्का बोलते हैं, एक सिक्का ही आपके को आपको अरबपति करोड़पति भी बनाता है, नजर दोष से बचाता है, आपके धन में बरकत लाता है और आपके धन के भंडारे बढ़ता है, आपके जीवन में निरंतर तरक्की लाना शुरू कर देता है। तो क्या है ये उपाय, इन्हें जानने के लिए वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट जरूर कीजिए, साथ में लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, सिक्के रेजगारे जिनकी खनखन बहुत अच्छी लगती है, एक एक सिक्का ही बनकर नोट बनता है और नोट से हम लाखों और करोड़ों अरबपति बनते चले जाते हैं। ये सिक्का, एक रुपए का सिक्का, अगर 5 रुपए वाला सिक्का आपके घर में, अगर गणपति गजानन भगवान की मूर्ति है या तस्वीर है, अगर आप मूर्ति है तो 5 रुपए का सिक्का रखिए, उसके ऊपर पीले चावल रखिए, उस पर गणेश जी को विराजित कर दीजिए, तो कभी भी आपको जॉब व्यवसाय में कभी किसी तरह की धनहानि नहीं होगी, धन निरंतर बढ़ता चला जाएगा। 5 का अंक बुध का है, गणेश जी भी बुध के ही देवता हैं। अब पीले चावल, हल्दी के रंगे हुए चावल आपकी बरकत को बढ़ाना शुरू करते हैं। और इसी तरह से अगर आपके घर में बैठी हुई माता माँ लक्ष्मी की मूर्ति है घर के मंदिर में, तो 6 रुपए के सिक्के यानी 5 का नोट और 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का भी सिक्का और 1 रुपए का भी सिक्का, 6 रुपए का सिक्का लक्ष्मी जी के नीचे रखिए। अब इसमें रोली से रंगे हुए चावल, लाल कलर की जो रोली होती है पूजा में जो हम इस्तेमाल करते हैं, रंगे हुए चावल पर माता माँ लक्ष्मी को विराजित कर दीजिए। हर महीने इन्हें चेंज कर दीजिए और फिर से नए रख दीजिए। देखिएगा कि आपके घर में कभी पैसों की तंगी नहीं होगी, हमेशा आपके धन के भंडारे भरे रहेंगे। अब जो आपने 5 रुपए के और 6 रुपए के सिक्के उठाए हैं, आपने अगले मंथ आपको नए रखने हैं, इनको आपको लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रख लेना है, फिर ये आपकी बरकत को बढ़ाना शुरू करेंगे। दोस्तों, सिक्कों का आपको और प्रयोग बताती हूँ। जब भी आप यात्रा पर जाते हैं, घर से निकल कर जा रहे हैं, किसी अपने शहर से बाहर किसी जगह जा रहे हैं, यानी अपने जिस शहर में आप रहते हैं उससे बाहर कहीं भी जा रहे हैं, चाहे भले आप 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर बाहर जा रहे हैं, तो 11 रुपये या 10 रुपये या 5 रुपये जो आपकी पॉकेट बोलती हूँ, घर के मंदिर में आप गणेश जी रखे हैं तो गणेश जी, कान्हा रखे हैं तो कान्हा, उनके आगे अर्पित करके जाइए और बोल कर जाइए कि आपकी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, और उसके बाद आकर इसे आप किसी गरीब व्यक्ति को कुछ खाने पीने की चीज़ें या फिर उसको ऐसे ही आप दान कर सकते हैं। करते रहिए, कभी भी यात्रा में आपकी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। जब भी आप यात्रा कर रहे हैं, कोई नदी पड़ती है या कोई इस तरह की पवित्र नदी पड़ रही है, तो सभी के हाथ से उसमें सिक्के जरूर गिरवाइए। ये सिक्के राहु होते हैं, जो हम सिक्का यूज़ करते हैं ये राहु है। जब हम नदी पार कर रहे हैं, यानी कि हम चंद्रमा को पार कर रहे हैं, तो ये राहु हमारी यात्रा को डिस्टर्ब ना करे, यात्रा में किसी तरह की विघ्न बाधा ना लाए, तो इस सिक्के को अपने सिर से घुमाइए 7 बार, 1 बार, 3 बार, और उस नदी में छोड़ दीजिए। आपके साथ जितने सदस्य हैं सबके साथ खाइए, निर्विघ्न आपकी यात्रा संपन्न होगी, आपको यात्रा का पूरा सुख मिलेगा। इसी तरह से आप बहुत अधिक मानसिक तनाव में या आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो कभी भी शुरू कीजिए, 43 दिन का ये प्रयोग है। एक सिक्का नियमित अपने सिरहाने यानी तकिए के नीचे रखिए, सुबह उठकर इसको आपको, जो स्वीपर होते हैं रोड साइड, जो स्वीपर होते हैं जो सड़क साफ कर रहे होते हैं, इसमें आप कुछ खाने पीने की चीज़ें रखकर आप उनको दान करना शुरू करिए। 43 दिन आप लगातार कीजिए, कैसा भी दुर्भाग्य, कैसा भी संकट आपके जीवन में आ गया है वो टल जाएगा और धन आगमन के आपके मार्ग खुल जाएंगे। यही सिक्के आप अपने जीवन में 5 का सिक्का 10 का सिक्का एक गुल्लक बना लीजिए, डेली इसमें डालना शुरू कीजिए, और जब ये भर जाए इसे फोड़कर इसके पैसों से जो भी जमा हुआ है
इसकी FD बनवाइए या कुछ भी ऐसा गहना खरीदिए, चांदी सोना जितने पैसे इकट्ठे हो गए, और इसको हमेशा अपने पास सहेज कर रखिए। निरंतर आपका धन बढ़ता चला जाएगा और आप धन की वृद्धि होती चली जाएगी। किसी भी मंदिर से आपको सिक्का मिल जाता है तो उसे कभी भी आपको खर्च नहीं करना चाहिए। इस सिक्के को गंगा जल से धोकर अपने घर के मंदिर में धूप दीप दिखाकर पीले या लाल कपड़े में लपेटकर हमेशा अपने पर्स में रखिए या फिर तिजोरी में रखिए, तो ये आपके पर्स पैसों से सदैव भरा रहता है। जब भी आपको किन्नर मिलते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ें दे दीजिए, कुछ उन्हें रुपए पैसे दे दीजिए, और बदले में आप 1 रुपए का सिक्का उनसे ले लीजिए और आशीर्वाद भी लीजिए कि वो आपको आशीर्वाद दें कि आपका जॉब व्यवसाय निरंतर तरक्की करता रहे, धन के भंडारे आपके भरे। फिर इस सिक्के को लाकर धूप दीप दिखाकर पहले गंगा जल से शुद्ध कीजिए और इसको गणपति गजानन भगवान को अर्पित करने के बाद इसे चाहे तो ग्रीन कलर के कपड़े में बांध लिए, येलो कलर के कपड़े में बांध कर धन स्थान पर रख दीजिए। ये सिक्का आपके जीवन में बरकत लाना शुरू करेगा और दिनों दिन आपका धन बढ़ता चला जाएगा। कुछ सिक्के जो आपकी पॉकेट बोलती हो, आप हर शनिवार मंदिर के बाहर बैठे हैं, जो भिखारी लोग बैठे होते हैं, देखिए मैं यहाँ पर भीख के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें और साथ में 1 रुपए का सिक्का। मुझे भी पता है कि ये लोग नहीं लेते हैं आजकल, 10-5 रुपए से तो नीचे बात ही नहीं करते हैं, ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ खाने पीने की चीज़ें आप ज़रूर दान कर कर आइए। हर शनिवार ऐसा करने से आपको इनकी जो दुआएं हैं, जो ब्लेसिंग मिलती जाती हैं, और आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ना शुरू कर देता है। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, मंगल कार्य रुक गए हैं, या किसी भी तरह से ऐसी कुछ स्थितियां बन गई हैं कि पितृदोष जैसा आपको महसूस हो रहा है, या बच्चों के शादी विवाह के कार्य रुक गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, तो परिवार के सभी सदस्यों से सिक्के इकट्ठे कर लीजिए, 1-1 रुपए के, 2-2 रुपए के, 5-5 रुपए के। एक पीला कपड़ा ले लीजिए। अब जो आपने इकट्ठे किए हैं तो अपने परिवार का जो भी आपका खून का रिश्ता है उनके सबके नाम से उसमें 5-5 या 10-10 रुपए मिला दीजिए। इन सिक्कों को पीले कपड़े में बांधकर आप किसी भी मंदिर में जाइए, धर्म स्थान पर पंडित पुजारी को देकर पांव हाथ लगा लीजिए और उनका आशीर्वाद ले लीजिए। देखिएगा कि जो रुके काम है, अटके काम है, बनने लगेंगे। शादी ब्याह में आ रही अटकड़ भी, अड़चन भी आपकी दूर हो जाएगी। तो सिक्के के तो बहुत सारे ढेरों उपाय हैं दोस्तों। तो सिक्कों से हम धन आगमन के मार्ग, अपनी समस्याओं से मुक्ति के लिए हर कार्य कर सकते हैं। ये धन धनाधन करने लगते हैं, यानी कि सिक्के हमारे घर में हमारी बरकत को बढ़ाना शुरू करते हैं। एक उपाय और देती हूँ आपको। 1 5 रुपए का सिक्का ले लीजिए, 6 रुपए के सिक्के लीजिए, यानी 5 का और 1 का। और अब अपने पास कलावा या मौली रख लीजिए। अब माता माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, आप जो भी जाप करते हो उसका, या मैं जो बता रही हूँ इसका शिम, इसका जाप करते हो उस कलावे को उस पर लपेटते चले जाइए। एक माला आपकी कंप्लीट हो जाए और ये सिक्का पूरा आपका बंद हो जाएगा, कलावे से पूरा बंद हो जाएगा। कलावा तोड़कर खोंस दीजिए, गांठ नहीं लगानी है। माता माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करके अपने माथे से लगाकर चाहे तो अपने धन स्थान में रखिए, चाहे अपने पर्स में रखिए, कभी भी धन की किल्लत आपको नहीं होगी। भूखों को भोजन कराते रहेंगे, सिक्कों का दान करते रहेंगे तो इससे आपका राहु भी शांत होगा, शनि भी आपका शांत रहेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। शेयर भी अधिक से अधिक लोगों को कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं क्योंकि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिषी हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, लाल किताब रीडर हूँ, साथ में चेहरा और हाथ पढ़कर भी आपके बारे में बहुत कुछ बताती हूँ, तो पर्सनली कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप यहाँ पर कॉल या मैसेज के जरिए जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।